कीजिए, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। नहीं निकल सकता, फिर भी नहीं, आपको पता है हमारी पाक आर्मी पूरी दुनिया में नंबर वन है। पता है हमारी पाक आर्मी पूरी दुनिया में नंबर वन है। हमने बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ा है और इंडिया को भी पीछे छोड़ा है। कितनी बार कहा सत्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। इंडिया निकल ही नहीं सकता हमारे यहाँ से आगे। चले एक मिसाल है कि वो निकल के आगे, तो अब हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे उसे आगे निकल सकते हैं? मिसाल भी क्यों माने, निकल ही नहीं सकता वो पाकिस्तान से। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत बहुत सारे कमेंट अब आ रहे हैं फिजा खलीफा के लिए कि फिजा खलीफा पे रोस्ट बनाओ, फिजा का वीडियो क्यों नहीं आ रहा, फिजा का नया वीडियो लाओ, फिजा का वीडियो लाओ, और फिजा का वीडियो क्यों नहीं आ रहा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। भारत भारत और अब भारत के भारत 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 के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया इंडिया भारत पर भारत मोदी यानी भारत रॉ भारत ही मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना मत। इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि ये जो खास तौर से मैंने और इंडिया वालों ने जो फिजा के ऊपर इतने रोस्ट बना दिए कि वो इतना डर गई है फिजा, इतना सहम गई है कि वो अब उसने इंडिया इंडिया ही करना छोड़ दिया। और दूसरा ये पाकिस्तान के पंजाब में अभी थोड़े दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं तो वो इमरान खान को जिताने में लगी हुई है। तो दो वजह है, दो वजह में से आपको कौन सी उचित वजह लग रही है वो आप पकड़ लीजिए और कमेंट में बता दीजिए आपको क्या लगता है कि फिजा क्यों नहीं इंडिया इंडिया कर रही है। अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। इस पूरी दुनिया को तो छोड़ो, उस पूरे प्लेनेट में अगर आपको सबसे ज़्यादा अगर जाहिल इंसान अगर कहीं मिलेंगे तो वो एक ही मुल्क है, वो है जिहादी मुल्क पाकिस्तान, जो कि जाहिलों से भरा हुआ है, हमारे लिए हंसी का उत्पादन करते हैं और साथ में हमें नई नई रोचक रोचक जानकारियाँ देते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जय श्री राम। आपका नाम? वकार यूनुस। और मेरा नाम विराट कोहली। वकार यूनस जबरदस्त, क्या करते हैं? बॉल टेम्परिंग करते हैं भाई। ओ माय गॉड टुरुलाओ। मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं। आपका नाम? अब्दुल माजिद। क्या करते हैं? टेक्सटाइल इंजीनियर। आप सब इंजीनियर ही होंगे, ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं। कि कोई ऐसी फील्ड बताएं या कुछ ऐसा बताएं जिसमें हम इंडिया से आगे हैं या अगर पीछे हैं तो आगे निकल सकते हैं? जी मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी पिछले साल की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसमें हमने बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ा है और इंडिया को भी पीछे छोड़ा है। क्या 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 बोला? हमने बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ा है और इंडिया को भी पीछे छोड़ा है। नशे करके आए हो? Seriously, what the fuck are you doing? और इन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया, इंडिया को भी छोड़ दिया और बांग्लादेश को भी छोड़ दिया है। तो इंडिया वालों तुम तो बिल्कुल पीछे हो पाकिस्तानियों से, सिर्फ जहालत में। अबे साले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में आप ये चीज कंफर्म मतलब कह रहे हैं? जी एज अ टेक्सटाइल इंजीनियर हम कंफर्म कहते हैं, हमें पता है इसके बारे में। तो इन भाई साहब की गलत फहमी कर देते हैं दूर, हम करते हैं गूगल पे सर्च की आखिर पूरी दुनिया के अंदर टॉप 10 में कौन कौन सी कंट्रियां है। आपका लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। नहीं पाकिस्तान तो नंबर वन होगा क्योंकि उसने भारत और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया था। तो हमें दुनिया की टॉप 10 कंट्री के अंदर चाइना का फ्लैग दिख रहा है, लेकिन ये गलत है भाई, यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग होना चाहिए। और नहीं तो क्या? वैसे टॉप 3 में इंडिया और टॉप 5 में बांग्लादेश है, पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है, लेकिन भैया की खुशी के लिए मैं पाकिस्तान को नंबर 1 बनाता हूँ। No.
बारे में। ये ना ना हो के वो सिर्फ आपका ही एक वो जो इंस्टीट्यूट है या जो आपकी इंडस्ट्री है उसकी एक्सपोर्ट हो आप उसके। ये नहीं, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप 2021 का डाटा उठा के देख लें, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अबे तू पागल है क्या? एक बार तो डेटा दिखा दिया, बार बार डेटा दिखाने की हमको हिम्मत नहीं है भाई। मुझे ये बताएं कोई ऐसी फील्ड है, आप लग रहा है कि आपको बड़ा नॉलेज है, कोई ऐसी फील्ड है जिसमें हम पाकिस्तानी आगे हैं इंडिया से? ऑनलाइन अर्निंग में अब हमसे काफी आगे हैं। ऑनलाइन अर्निंग में आईटी की बात कर रहे हैं? आईटी और अमेज़न सेलर अकाउंट में पाकिस्तान इस टाइम चौथे नंबर पे है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? लेकिन एक सेकंड, ये मेरा भाई कोई सस्ते नशे करके आया है। कितनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। इसको ये नहीं पता है दुनिया के अंदर भारत का आईटी एक्सपोर्ट इतना ज्यादा हो गया है कि जो जितना सऊदी अरब तेल बेचता है ना उससे भी ज्यादा भारत आईटी एक्सपोर्ट करता है। और ये गधे का बच्चा बोलता है कि पाकिस्तान नंबर वन है आईटी एक्सपोर्ट में। आज इंडिया 150 बिलियन डॉलर, 150 अरब रुपए की एक्सपोर्ट करता है ये आईटी की। और दुनिया में अब कितना नाम है सऊदी अरब का टोटल तेल जो बेचता है 110 बिलियन डॉलर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की, वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है। देख रहे हो आप लेवल, देख रहे हो जहालत का, वो भी एक इंजीनियर स्टूडेंट का। तो जहालत का कोई पैमाना नहीं आता पाकिस्तान में, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, जहालत इनको गोल्ड गिफ्टेड मिलती है। वो कैसे मिलती है मैं बताऊंगा वो बाद में। ठीक है भाई, आईटी की अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि आईटी इस टाइम एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया के, समझ लें ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंडिया को माना जा रहा है कि आईटी में इंडिया सबसे आगे है। लेकिन मैं पिछले साल के आपको अदाद शुमार के मुताबिक बात कर रहा हूं कि जो हमारा अमेज़न का सेलर अकाउंट है या जो अमेज़न के ऊपर जितना भी काम हो रहा है उसमें पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, इंडिया पाँचवें नंबर पर है। को पैसा बर्बाद पहन। आपको पता है अमेज़न की आप बात कर रहे हैं, अमेज़न जैसी सैकड़ों जो उनकी कंपनीज हैं वो इंडिया में चल रही हैं। जी चल रही हैं। ठीक है, तो एक कंपनी को आप कैसे कंपैरिजन करवा सकते हैं 100 कंपनियों के साथ? लेकिन ऐसे पॉसिबल है? ये जनरल कॉमन सेंस वाली बात है कि एक कंपनी 100 कंपनी, 100 से ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो अमेज़न से ज्यादा बेहतर काम कर रही हैं और आप कह रहे हैं कि अमेज़न ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऐसे पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये अभी शुरुआत। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, पॉसिबल नहीं है लेकिन ये अभी शुरुआत है। तो पाकिस्तान में इस चीज़ की शुरुआत अभी से नहीं, 1435 साल पहले से हो चुकी है। पाकिस्तान जिस मजहब में चलता है उस मजहब के अंदर वहाँ से ये शुरुआत वहीं से मिली हुई है। 80 साल का बुड्ढा एक जवान औरत पे फिदा हो गया, तो इस दिलेर महिला ने बना लिया उस बुड्ढे का वीडियो और आप भी देखिए और आनंद लीजिए। गाइस एक सेकंड, मुझे देखिए, कह रहा है मेरे स्लीवलेस फ्रॉक को देखिए, कह रहा है मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं रिएक्ट हो रहा हूँ। ये देखो, ये है हमारी कॉम, मैं दवाई लेने आई हूँ यहाँ पे फार्मेसी में और ये बुड्ढा मेरी बात क्यों कर रहा है? मुझे कह रहा है मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ मेरे बाजू देख के, मेरे सिर्फ बाजू देख के ये अट्रैक्ट हो रहा है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन भाई जान तौबा, इतना मारा। तो इनके ये 80 साल के ठरकी बुड्ढे अगर ऐसे पाकिस्तान में रहेंगे तो आप समझिए इनकी आने वाली नस्लों के अंदर कितनी जहालत रहेगी, कितना ठरकपन रहेगा, कितनी हवस रहेगी। कुत्ते, कुत्ती, बिल्ली, कोई जानवर इनसे सुरक्षित नहीं है, इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए भैया आप। अब चलते हैं एक ढीठ की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रुस्तम अली। रुस्तम अली क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, जबरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि आपको ये पता है कि इंडिया हमारे से कितना आगे निकल चुका है, आप इस चीज को तस्लीम करते हैं? नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ, वो निकल ही नहीं सकता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई ने बोल दिया इंडिया आगे नहीं निकल सकता तो नहीं निकल सकता, नहीं निकलता कोई बहस नहीं करनी इस मुद्दे पे, कोई भाई को कुछ नहीं बोलेगा।
मेरे भाई निकल चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, और किस फील्ड में, हर फील्ड में, मतलब एजुकेशन की बात की जाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, इकॉनमी की, हेल्थ की बात की जाए, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। नहीं निकल सकता, फिर भी नहीं, आपको पता है हमारी पाक आर्मी पूरी दुनिया में नंबर वन है। ऐसे कैसे, अरे चूता समझेगा? अगर गूगल करेंगे तो पाकिस्तान की आर्मी टॉप 9 के अंदर मिलेगी, नंबर वन तो बहुत दूर है भैया, बहुत दूर है। चाहिलो पाकिस्तान में आज भी जंग आपस में लड़ी जा रही है। हैं? ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इंडिया दुनिया से लड़ रहा है। तेरा बाप आया। भाई मैं वो बात नहीं, मैं फील्ड्स की बात कर रहा हूँ, शोबों की, यानी एक होता है ना तलीम, उसमें हमारे से आगे है, फिर होता है ना एक मेडिकल का शोबा जिसमें मतलब दवाइयाँ शवाइयाँ, सारे शोबों में हमारे से आगे निकल चुका है, तो कैसे निकल गया है? इंडिया निकल ही नहीं सकता हमारे से आगे। कंट्रोल कंट्रोल निकल ही नहीं सकते हो भैया, तुम तो आगे, मेरा तो अब मन ही नहीं हो रहा, मैं मेरे को नहीं निकलना भाई, मुझे करना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है भाई, मुझे अब इसके आगे करना ही नहीं है, हो गया बस, बैठ गया मैं। मान ही नहीं रहा बंदा, मान ही नहीं रहा भाई बंदा, तो जब वो मानेगा ही नहीं तो तुम उससे जीतोगे कैसे? मैं चले, एक मिसाल है कि वो निकल के आगे, तो अब हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे उससे आगे निकल सकते हैं? मिसाल भी क्यों माने, निकल ही नहीं सकता वो पाकिस्तान से आगे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपको कैसे, आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं निकला वो? हमारा इतना अच्छा मुल्क है पाकिस्तान, पाक मुल्क है, यहाँ इनसे आगे कोई भी नहीं निकल सकता। कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं, पाकिस्तान मेरा भी मुल्क है और मुझे भी बड़ा प्यार है, लेकिन सच को भी तो मानना है कि इंडिया आगे निकल चुका है। ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, पाकिस्तान से आगे कोई भी नहीं निकल सकता, वो इंडिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जो भी हो, पाकिस्तान से कोई भी आगे नहीं निकल सकता। हो गया बस, इससे ज्यादा नहीं बोलना, हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ तक आने के बाद में मेरा काम हो जाता खत्म, यहाँ के बाद में आपका काम होता शुरू, और आपको करने सिर्फ तीन काम, तीन काम में से पहला काम आपको इन जाहिलों को पेलते हुए मस्त मस्त दो या तीन कमेंट करने, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको शेयर करना, आप लोग जहाँ भी शेयर कर सकते हैं एक वीडियो को, एक जगह कहीं भी शेयर कर दीजिए। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो कंपलसरी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करो तो करो, ना तो ना करो, वो ये है कि मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, एक को फॉलो कर लीजिए, एक को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।